मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सोमवार को ग्वालियर दौरे को लेकर पुलिस व्यापक तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम स्थलों सिरोल पहाड़ी ग्वालियर दुर्ग तानसेन समारोह और महाराज बड़े पर तैयारियों को जिला प्रशासन के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। 3 अतिरिक्त कंपनियां भी सीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर ग्वालियर पुलिस को मिल चुकी हैं। इसके अलावा 1500 पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को तानसेन अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा वे ग्वालियर किले पर 1500 से ज्यादा तबला वादकों के विश्व रिकॉर्ड की तैयारी में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अटल जी की याद में महाराज बड़े पर मनाए जा रहे गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सिरोल पहाड़ी पर अटल जी के नाम पर बना रहे मेमोरियल का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 3 बजे ग्वालियर आएंगे। सभी 4 कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे रात में ही भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। कल सीएम का ग्वालियर दौरा और उनके क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, किस तरह की तैयारी पुलिस प्रशासन द्वारा की गई? कल हमारे जो नवनियुक्त सीएम साहब हैं उनका पहला ग्वालियर दौरा प्रस्तावित है और लगभग 3:15 बजे के आसपास यहाँ आएंगे और वहाँ से सीधे ही जाएंगे फोर्ट पे, जहाँ पे कल वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने वाला है। 1500 तबला वादक, 1500 से ज़्यादा तबला वादक जो एक साथ थाप छोड़ेंगे। उसके बाद सरोल पहाड़ी पे जाएंगे जहाँ अटल मेमोरियल बनना है, उसका इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद जो तानसेन अलंकरण समारोह है वहाँ का प्रस्तावित प्रोग्राम है और लास्ट में ग्वालियर गौरव दिवस के लिए के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बाड़े पे शिरकत करेंगे। पूरी व्यवस्था के लिए चूँकि सीएम साहब पहली बार ग्वालियर आ रहे हैं, पूरे क्षेत्रवासियों में उत्साह है, पार्टियों कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाग स्वागत के लिए आने वाले हैं। उसी व्यवस्था को चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लगभग 1500 के आसपास हमारे पुलिसकर्मी पूरी व्यवस्था में तैनात रहेंगे, जिसमें हमारी रस्सा पार्टियाँ भी हैं, क्लोथ प्रोटेक्शन टीम भी हैं और 3 कंपनियां भी हमें इस व्यवस्था के लिए लगी हुई हैं। पूरा हेक्टिक शेड्यूल है और जिस तरीके से हमें पार्टी ने बताया है कि बहुत बड़ी संख्या में लोक कार्यकर्ता रहेंगे, तो उसको मद्देनज़र रखें जो सुरक्षा व्यवस्था है बड़ी चाक चौबंद है और उम्मीद करेंगे कि इसमें हमें ग्वालियर चंबल संभाग के